रात को सोने से पहले ना आईना मत देखा करो। मैं दांतों में ब्रश कैसे करूंगा? अब अंदाजे से ज्यादा क्या होगा, एक दो ब्रश गलती से आंखों में लग जाएगा। इसमें भी फायदा तुम्हारा है, इससे कशिश और बढ़ेगी। वैसे मेरी अम्मी कहा करती थी, बेटा तुम्हारी आंखों में बहुत कशिश है, कम वक्त बटनों की तरह चमकती है। ठीक है, तो अगली सर्दियों में मैं अपनी जैकेट को लगा लूंगा। अच्छा ये जरा ड्रोनी बातें बंद कर, मेरे को ये बता तू उधर गया था किधर? ये उस आदमी क्या सुखी सुन ले गया, पागल हुआ क्या इसका बोला कर। वैसे मैं सोच रहा हूँ चोपिया को अपने ड्रामे में ले लूं, तू इसको जरा राजी कर लेना, थोड़ी सिफारिश कर दे मेरी। आई नहीं प्लीज। ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं। अच्छा चोपिया, ये राज मेरे सीने में दफन हो चुका है, इसको मत कुरे दो वरना कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए। तुमको ज्यादा जुकाम ही हो सकता है और तुमको पहले से ही है। अच्छा एक रुमाल ही दे दो। रुमाल इसको पिन से लगा लेना, गिरा दोगे। बात बताओ। पूछो पूछो। ये तुम्हारे अब्बा क्यों आए थे सुबह को? वो अंकल इलियास से मिलने के लिए आए थे, असल में वो मेरी ज़हनी हालत की वजह से बहुत परेशान है। ये ख्याल उन्हें कुछ देर से नहीं आया? मैं मतलब जल्दी आ जाता तो अच्छा रहता। नहीं, मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ नए फनकारों से ऑडिशन ले रहा था, उधर आ गए। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऑडिशन दिया चले गए। असल में उनको भी ना ड्रामो में काम करने का बहुत शौक है। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि वो ऑडिशन में फेल हो गए, ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब उन्हें क्या पता कि डायरेक्टर पे कितनी जिम्मेदारियां होती है। वैसे डायरेक्टर कौन है? ये क्या है तुम्हारे सामने? दीवार। दीवार नहीं, ये मैं लंगोर। कौन है? आ रही हूँ। तुम, ये तुम्हारा दिमाग क्या बिल्कुल ही उलट गया? देखिए मैं जेबी से मिलना चाहता हूँ। हर चीज जो इंसान चाहता है वो पूरी नहीं हो जाती। मेरे ख्याल से जेबी तुमसे नहीं मिलना चाहती। आप उसे कहें कि मैं आया हूँ, मैं उसका शौहर हूँ। ये तो एक रिश्ता मैं भूल ही गई थी जो अभी तक कायम है। खैर मैं उसे बुलाती हूँ। जेबी, एक साहब आए हैं जो खुद को तुम्हारा शौहर बताते। इसका पापा मुझे किसी से नहीं मिलना, और आप इनसे कह दें कि यहाँ दोबारा आने की कोशिश ना करें। जेबी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये सब कुछ जानते बूझते नहीं हुआ है। मुझे नहीं अंदाजा था ये सब कुछ हो जाएगा। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कुछ हो चुका है कि ये अल्फाज मेरे लिए कोई माने नहीं रखते। आप सिद्धा पापा के घर में हैं, अगर आप मेरे घर में होते तो शायद मैं आपके सामने भी ना। उससे भी प्लीज जो चाहो कह लो, मगर घर चलो। मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर होता भी तो शायद मैं अपने अल्फाज आप पे जाया ना करती। वो अब सिर्फ आपका घर है, मेरा घर नहीं है। मियां बीवी की जिंदगियों में इस तरह के मोड़ आया ही करते हैं। कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा। कितनी आसानी से लोग कह देते हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये होना बहुत मुश्किल होता है महमूद। मैं कोशिश कर रही हूँ, बस आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, मैं आपकी सारी रुकावटें दूर कर दूंगी। मेरा नाम जेबू निसा है, मुझे जेबी कहने की कोई जरूरत नहीं है, और आप जा सकते हैं। जेबी, मेरी बात समझ जेबी। सुन लिया वरखुरदार, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है, और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो कि जब तक जेबी मेरे घर में है आइंदा कभी उससे मिलने की कोशिश मत करना। जब अपने माँ बाप के घर चली जाए तो खैर वो और बात है। जाओ तुम यहां से, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दफान हो जाओ। तुम्हारी हिम्मतें
मैंने फुरकान साहब से बात कर ली है, मैं महमूद पर केस कर रहा हूं, अपनी बीवी पर मारपीट और तशद्दुद का। उसे तुम्हारे सामने आना होगा और माफी मांगनी होगी। सीबी बेटा तुम ही समझाओ अपने अब्बा को, मैं तो समझा कर आजिज आ गई। अरे भाई ये मामले इस तरह से नहीं उछाले जाते, हमारा लड़कियों का घर है, लोग क्या कहेंगे? अब वो अम्मा सही कह रही हैं, आप इस मामले में ना पड़े, वैसे भी आप पे दूसरी कितनी जिम्मेदारियां हैं। बेटा तुम भी तो उन जिम्मेदारियों में से एक हो, अब तुम क्या चाहती हो? मैं कितनी बेहिसी का मुजाहरा करूं, खामोश रहता रहूं? आप फिक्र ना करें, अब जो कुछ करना है वो मुझे करना है। सीबी बेटा एक औरत क्या कर सकती है, तुमने अगर कुछ किया भी तो लोग 10 बातें बताएंगे, कीचड़ उछालेंगे तुम्हारे किरदार के बारे में, पता नहीं क्या क्या। अम्मा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। महमूद में इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो हमारे सामने आता, हमसे बात करता, अजीब बिजदली का मुजाहरा किया है उसने। अब वो मेरे पास आया, मैंने उसे वापस जाने के लिए कहा था, मेरे पास अब उसके लिए कुछ भी तो नहीं है, नफरत भी नहीं। उसके लिए यही सजा काफी है, तुम अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दो, उसका किया जरूर उसके आगे आएगा। बेटा अब मुझे बताओ तुम क्या करना चाहती हो, मैं हर मामले में तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम चाहोगी वही होगा। कह देना ही मेरे लिए काफी है, मेरा हौसला बढ़ता है, इन्हीं सब चीजों ने तो मुझे मजबूत बनाया। बेबी तुम देख लेना महमूद 8-8 आंसू रोएगा, उसे जरूर अपने किए का एहसास होगा, तुम देखना एक दिन वो इस दरवाजे पर आकर माफिया मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, नाक रगड़ेगा अपनी। अम्मा मुझे अब नहीं जरूरत रही इन चीजों की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता महमूद माफी मांगे या ना मांगे, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे क्या करना। सिर्फ लिया था सुबह, अगर आराम कर लूंगी तो आंखों का दर्द भी सही हो जाएगा, ठीक है ना? बस थैंक यू, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मैं तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? हाँ वो मैंने उतार कर रख दी, ढीली थी ना, बार बार गिरती रहती थी।